हाँ जी दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। आप सभी से एक लंबे अंतराल के बाद मुलाकात हो रही है। क्या हाल है सभी के? सॉरी फॉर बीइंग एब्सेंट। आप सभी से क्षमा चाहता हूँ एब्सेंट रहने के लिए, अनुपस्थित रहने के लिए और आप लोगों की क्लासेस ना लेने के लिए। लेकिन अब मेरी कोशिश रहेगी कि मैं क्लासेस एटलीस्ट MCQs, जो कि आपका ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर में हेल्प करने वाले हैं MCQs, वो मैं प्रेजेंट करूं, हिस्ट्री के, ज्योग्राफी के, पॉलिटी के, करंट अफेयर्स के और बायो के भी। सो लेट्स स्टार्ट आज का सेशन। लेकिन स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, आइए देख लेते हैं कि हम क्या करने वाले हैं आज। एंशियंट हिस्ट्री के कुछ MCQs हैं। ये MCQs की सीरीज जो है आपके सामने होने वाली है। जैसे कि आप यहाँ पे सेट वन देख रहे हैं, तो अभी मैं आपसे कुछ बोलने नहीं वाला हूँ, क्योंकि जो भी कुछ मैंने प्लान किया था वो वर्कआउट नहीं किया है, इसलिए मैं अभी कुछ बोलने नहीं वाला हूँ। हाँ, हालांकि एक सीक्रेट मैनर में हम लोग चलते रहेंगे। तो सेट वन ऑफ दी एंशियंट हिस्ट्री MCQs, जो कि मदद करने वाले हैं NDA एस्पिरेंट्स को भी, आपके NDA 2 के लिए, CDS एस्पिरेंट को आपके CDS 2 के लिए, IAS एग्जाम, सिविल सर्विसेज एग्जाम प्रीलिम्स में आपको हेल्प मिलने वाली है इनसे काफ़ी ज़्यादा। 2025 में जो बच्चे एग्जाम देने जाएंगे सिविल सर्विसेज का और CAPF का भी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है सारे MCQs यहाँ पर, क्योंकि CAPF में भी आपके हिस्ट्री के क्वेश्चन, हिस्ट्री का पोर्शन एक अच्छी तरह कवर किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर एक सिंपल सी बात है, सपोर्ट चाहिए। सब्सक्राइब करेंगे चैनल को, लाइक कर देंगे वीडियो को, कमेंट कर देंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव कमेंट कर देंगे और अपने दोस्तों का शेयर भी कर देंगे, सो डैट आपका और मेरा जो रिलेशन है, जो हम लोग काफ़ी समय से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए, हम एक दूसरे के साथ आगे भी जुड़े रहें। चलेंगे जी, क्वेश्चन नंबर वन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट प्रोबेबल रिगार्डिंग द हड़प्पन स्क्रिप्ट? हड़प्पा लिपि के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा अधिक संभावित है? मतलब ये पूछ रहा है कि जो हड़प्पा स्क्रिप्ट है, हड़प्पन सिविलाइजेशन के अंदर जो लैंग्वेज मिली है, वो किस स्क्रिप्ट में लिखी गई है? देखो दोस्तों, इसका आंसर है पिक्टोग्राफिक, क्योंकि लैंग्वेज की अगर हम बात करें, इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है, हड़प्पन स्क्रिप्ट जो है, वो प्री हिस्टोरिक पीरियड से बिलोंग करता है, प्री हिस्ट्री के अंदर। और यहाँ पर जो राइटिंग है उसका अभी डिस्कवरी नहीं हुआ था। हालांकि पिक्स जरूर बनाई जाती थी, जैसे कि पीपल का पेड़ बनाया गया है, यूनिकॉर्न बनाया गया है, यूनिकॉर्न जैसे कि एक साइड फिगर दिख रहा है बुल का, ठीक है, उसको यूनिकॉर्न बुलाया गया है। तो जो कुछ भी प्रेजेंट किया गया है हड़प्पा के अंदर, जो सील्स में दिख रहा है, जो केव्स में दिख रहा है, जो उनके पोर्ट्स पे दिख रहा है, पोटरी पे दिख रहा है, वो सभी चीज़ें जो है वो पिक्टोग्राफिक है। ठीक है, पिक्टोग्राफिक लैंग्वेज हो जाएगी। स्क्रिप्ट जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन की, वो तो है आपकी बोस्ट्रोफिडोन, बोस्ट्रोफिडोन। बोस्ट्रोफिडोन क्या होता है? ऑल्टरनेट लाइंस जो है, जैसे कि एक लाइन में हम राइट टू लेफ्ट लिखा है, फिर सेकेंड लाइन में लेफ्ट टू राइट जाएगा, ठीक है, फिर नेक्स्ट लाइन में राइट टू लेफ्ट जाएगा। इस तरीके से जो ऑल्टरनेट लाइन अपोजिट लिखी जाती है, उसको हम बोस्ट्रोफिडोन बुलाते हैं। ये बोस्ट्रोफिडोन स्क्रिप्ट हो गई। जो लैंग्वेज है वो पिक्टोग्राफिक लैंग्वेज है हड़प्पा की। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन दोस्तों। ग्रेट बाथ है, ग्रेट बाथ वॉज फाउंड इन, ग्रेट बाथ कहाँ पर पाया गया है? महान स्नानागार कहाँ पर पाया गया है? रिचुअल बाथिंग के लिए, रिचुअल बाथिंग के लिए सिंध प्रांत में एक एक हमें कंस्ट्रक्शन मिलता है जो कि मोहनजोदाड़ो से बिलोंग करता है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगर हम बात करेंगे ग्रेट बाथ की, तो ग्रेट बाथ का जो डायमेंशन है वो कितना है? ग्रेट बाथ का डायमेंशन कितना है जी? 40 फीट इंटू लगभग लगभग 23 फीट, ठीक है। अगर हम इसको मीटर्स में देखेंगे तो आप मान के चलिए 20 मीटर इंटू 7 मीटर, और जो इसकी डेप्थ है, डेप्थ डेप्थ है इसकी लगभग लगभग 8 फीट की। 8 फीट को मीटर्स में करेंगे तो 2.4 मीटर्स में। ये साइटाडल पर बना हुआ है,
ये रिचुअल बाथिंग के लिए होता था इस्तेमाल, रिचुअल बाथिंग के लिए। इसके अंदर जो पानी आया करता था वो वेल से आया करता था, टैंक्स से आया करता था, ठीक है जी। नदी का पानी नहीं होता था इसके अंदर दोस्तों, ठीक है जी। जो इसकी स्टेयर्स थी वो नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती थी, मतलब नॉर्थ से साउथ की तरफ नीचे उतरते थे लोग, इस तरीके से साउथ में आकर के नहाते थे, ठीक है। और ये अर्लीस्ट पब्लिक पब्लिक वाटर टैंक भी माना जाता है, अर्लीस्ट पब्लिक वाटर टैंक, ठीक है जी। तो मोहनजोदड़ो में ये है एक कंस्ट्रक्शन। हालांकि अगर हम बोलें कि मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी बिल्डिंग कौन सी है, तो वो ग्रेट, ये अपनी ग्रेट ग्रेनरी है, ग्रेनरी, वो आपकी ग्रेनरी है, वो आपकी ग्रेट बात नहीं है। ग्रेनरी जो है वो आपकी सबसे बड़ी बिल्डिंग मानी जाती है, ठीक है। चलें जी आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन जी। हु कंपोज दी अलाहाबाद प्रशस्ति? प्रशस्ति का अगर यहाँ पर मतलब देखें तो ये वो राइटिंग है जो किंग की प्रेज में लिखी गई है, किंग की प्रेज में जो लिखा जाता है, राइटिंग इन प्रेज ऑफ किंग्स प्रेज। ये जो चीजें हैं ये पिलर पे लिखी गई है, ये रॉक पर लिखी गई है। इसको और कहाँ पर देखा गया है हमें? बस पिलर्स और रॉक्स पर देखा गया है, ठीक है। अलाहाबाद, यहाँ पर एक पिलर है, ये पिलर अशोक का है। इस अशोक के पिलर पर समुद्रगुप्त के बारे में भी लिखा गया है। एक्चुअली उसके जितने भी मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट थे उसके बारे में लिखा गया है, ठीक है। संस्कृत में लिखा हुआ है, और लिखा किसने है? लिखा है हरिसेन ने, जो कि कोर्ट पोएट था समुद्रगुप्त का। समुद्रगुप्त गुप्ता एम्पायर का सेकेंड रूलर था। फादर का नाम चंद्रगुप्त वन था, बेटे का नाम चंद्रगुप्त टू था, ठीक है। तो क्या है जी आंसर? हरिसेन। आई होप क्लियर है यहाँ तक सभी को, चलेंगे। विच वॉज अ मेजर पोर्ट ऑफ द इंडस वैली? देखिए इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो सबसे बड़ा पोर्ट है वो है लुथल। ये अर्लीस्ट एग्जाम्पल है, अर्लीस्ट अर्लीस्ट व्हाट यू कॉल डॉक, अर्लीस्ट डॉक है गुजरात रीजन में, ठीक है। गुजरात स्टेट में है इंडिया के, लोथल। ये क्या करता था? जैसे अरेबियन सी है, अरेबियन सी को कनेक्ट करता था किसके साथ? अरेबियन सी को कनेक्ट कर रहा है साबरमती रिवर के साथ, और साबरमती रिवर के आसपास जो टाउन्स बने हुए हैं वहां पर ट्रेड फैसिलिटेट किया जाता था लोथल की मदद से, ठीक है जी। सो लोथल जो है वो बनाया कब गया था? 2200 BC में बनाया गया था। बस इतना ही हम लोग करेंगे, इसको आगे चल रहे हैं। व्हाट वॉज द पॉलिसी ऑफ समुद्रगुप्त इन द साउथ? अब ये क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा मुश्किल भी हो सकता है। समुद्रगुप्त जो कि अपने मिलिट्री जो उसके कैंपेन्स थे उसके लिए जाना जाता था, ठीक है जी। समुद्रगुप्त ने जो नॉर्थ के किंग थे उनको तो विशेषली डिफीट किया, उनसे लड़ करके उनसे आसपास की जो अपनी जमीन थी बिहार के आसपास की वो ले ली, चाहे वो यूपी हो, असम हो, उड़ीसा हो, उनसे लड़ाई करी है, उनसे विशेषली लड़ाई करी है, उनको एक करारी मात दी है, उनको डिफीट किया है, बहुत ही मतलब बुरी तरह हराया उनको लड़ाई में, ठीक है, नॉर्थ के किंग्स को। लेकिन साउथ के किंग को क्या किया कि 12 ऐसे किंग हैं, 12 किंग ऐसे हैं जिनको डिफीट किया, ठीक है। फिर उनको प्रिजनर बना लिया, प्रिजनर बनाने के बाद उनको छोड़ दिया गया, उनको अनुग्रह प्रोवाइड किया गया, उनको अनुग्रह प्रोवाइड किया गया। अब ये अनुग्रह का क्या मतलब है? अनुग्रह का क्या मतलब है कि उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड की गई। प्रोटेक्शन तब प्रोवाइड करी जब उन सभी ने समुद्रगुप्त को अपना राजा मान लिया, समुद्रगुप्त से की सीजनिटी एक्सेप्ट कर ली, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जब हम जाते हैं अर्थशास्त्र की तरफ, मतलब क्या अर्थशास्त्र एंशियंट हिस्ट्री का सबसे इम्पोर्टेंट सोर्स है कि स्टेट कैसा होता था, स्टेट के इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स कैसे होते थे। उसके अंदर
जो चाणक्य थे उन्होंने तीन तरीके के विजय लिखी थी, तीन तरीके के विजय लिखी थी। एक थी आपकी धर्म विजय, दूसरी थी लोभ विजय, तीसरी थी असुर विजय। कौन कौन सी? एक थी आपकी धर्म विजय, एक थी लोभ विजय और एक थी असुर विजय। क्या मतलब होता था धर्म विजय? क्या है? आपने लड़ाई करी, अपने ओपोनेंट को हराया और बाद में उसको छोड़ दिया। उसको सिर्फ इतना बोला कि तूने मेरी सुजनिटी एक्सेप्ट करनी है, ठीक है। लोभ विजय में क्या हुआ कि अपने ओपोनेंट को हराया और उसका एरिया जो था, जितना उसका किंगडम था, वो अनेक्स कर लिया और उसकी जान जो थी वो दान में दे दी। तीसरी थी असुर विजय, अपने ओपोनेंट को हराया और उसको मार दिया और उसके एरिया को अनेक्स कर लिया, ये असुर विजय, ठीक है। अब इस सोर्स के अकॉर्डिंगली धर्म विजय जो कि 12 किंग को हरा करके बाद में उनको रिलीज कर दिया, अनुग्रह प्रोवाइड कर दिया था, इसको धर्म विजय माना जाएगा। तो बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। समुद्रगुप्त सेकंड रूलर था गुप्ता एम्पायर का। चलेंगे जी नेक्स्ट वन। हु वाज द फर्स्ट किंगडम इंडिपेंडेंट किंग ऑफ बंगाल? फर्स्ट इंडिपेंडेंट किंग ऑफ बंगाल ये थे जी शशांक। शशांक जो थे वो गोड़ थे, गोड़ किंगडम का एक रूलर था, ठीक है। इसका जो टाइम पीरियड है वो 700 कॉमन एरा, डेट इज 700 AD माना जाता है, ठीक है जी। और शशांक को क्रेडिट किया जाता है कि इन्होंने बंगाली कैलेंडर भी बनाया था, बंगाली कैलेंडर भी बनाया था, ठीक है जी। और कर्ण सुवर्ण इनकी कैपिटल हुआ करती थी, कर्ण सुवर्ण इनकी कैपिटल हुआ करती थी, जो मॉडर्न डे मुर्शिदाबाद है, ठीक है। तो शशांक वॉज द फर्स्ट इंडिपेंडेंट किंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंडस वैली सिविलाइजेशन बिलोंग टू द आंसर इज कैल्कोलिथिक एज। कैल्कोलिथिक वो एज है जब कोपर इस्तेमाल करने लग गए थे लोग, ठीक है। मैसोलिथिक, नियोलिथिक, पैलियोलिथिक, ये स्टोन पीरियड है, इसमें मेटल का कोई इस्तेमाल नहीं होता था, रॉक टूल्स इस्तेमाल होते थे जो कि कभी कभी वेपन्स की तरह भी इस्तेमाल किए जाते थे। पैलियोलिथिक ओल्डेस्ट है, मेसोलिथिक मिड पीरियड है, नियोलिथिक जो है वो लास्ट पीरियड माना जाता है। इसके बाद मेटल का इस्तेमाल हुआ और कॉपर पीरियड, कॉपर जिस पीरियड में इस्तेमाल हुआ उसको कैल्कोलिथिक कहा जाता है। इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग थे वो फर्स्ट थे वर्ल्ड में कॉपर का इस्तेमाल करने वाले, इसलिए कैल्कोलिथिक पीरियड इसका आंसर होगा। हु रोट रामचरित्र? दोस्तों ध्यान से देखना, मैंने रामचरित्र मानस नहीं पूछा है, रामचरित्र मानस नहीं पूछा गया है, मैंने सिर्फ पूछा है कि रामचरित्र किसने लिखी है। रामचरित्र लिखने वाले जो राइटर थे वो है आपके संध्याकर नंदी। संध्याकर नंदी का जो टाइम पीरियड है वो है 1084 से 1155 AD का, ठीक है। संध्याकर नंदी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये पाल एम्पायर कि कोर्ट पोएट थे, ठीक है। और इन्होंने रामायण और जो पाल किंगडम के रूलर थे ना, इनका नाम था रामपाल। इनकी स्टोरी को साइमल्टेनियसली लिखा है, मतलब रिलेट करके लिखा है, ठीक है जी। और यहाँ पर ना वरेंद्र रेबेलियन के बारे में भी लिखा गया है, वरेंद्र रेबेल रेबेलियन के बारे में भी लिखा गया। वरेंद्र रेबेलियन का क्या था? वरेंद्र रेबेलियन जो था मेडिविल पीरियड का और इंडिया का इनफैक्ट फर्स्ट पीजेंट रिवोल्ट था, फर्स्ट पीजेंट रिवोल्ट था, फर्स्ट पीजेंट रिवोल्ट था, जो क्रांति थी ये फार्मर्स ने जो थी रिवोल्ट किया था इसको, ठीक है जी। तो इसका मेंशन भी संध्याकर नंदी की बुक रामचरित में मिलता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको आप अच्छे से कर लेंगे मजा आ जाने वाला है इसके अंदर। चलेंगे, टोटल पुराण कितने हैं जी? टोटल पुराण है 18 पुराण। ये 18 पुराण तीन गुणों में डिवाइडेड है, तीन गुण, गुण ठीक है, जिसको ट्रेट कहते हैं ना उसमें डिवाइडेड है। तीन गुण कौन कौन से? सत्व, राज, तम। विष्णु जी को सत्व है, ब्रह्मा जी को
राज गुण है और तम गुण है शिव जी की। इन तीनों के अंदर आपके 18 पुराण आते हैं, जिसके अंदर शिव पुराण, लिंग पुराण, मत्स्य पुराण, कुर्मा पुराण, स्कंद पुराण, अग्नि पुराण, नंदी पुराण, ये सभी 18 पुराण हैं जो कि माने गए। चलेंगे। सूल पानी वॉज द फेमस आर्टिस्ट ऑफ। सूल पानी किस पीरियड से बिलोंग करता था? द आंसर इज सेना पीरियड। सेना जो थे ये पाला के बाद आए थे, आफ्टर पाल्स, ठीक है, पाल के बाद सेन आए थे, ठीक है, और सामंत सेन वॉज द फाउंडर। सामंत सेन वॉज द फाउंडर। इसी के एक कोट पोएट थे सूल पानी, जो कि सेना पीरियड के उनके किंगडम के उनकी इकोनॉमी के बारे में बताते हैं। दिव्या वॉज द लीडर ऑफ। दिव्या, दिव्या को यहाँ पर हम लोग दिवोक्का के नाम से भी जानते हैं। दिवोक्का, दिवोक्का दिव्या को ही कहा जाता है, ठीक है। और ये कैवर्त रेबेलियन में जुड़े हुए, दिवोक्का या दिव्या जो थे ये एक सामंत हुआ करते थे। सामंत को इंग्लिश में फ्यूडल बुलाते हैं, फ्यूडल लॉर्ड बुलाते हैं, जमीन जमीन जिनके पास होती है, भूमि जिनके पास होती है, ठीक है। तो दिवोक्का थे, कैवर्त रेबेलियन जिसको अभी थोड़ी देर पहले आपने वरेंद्र रेबेलियन के बारे में सुना आपने, ठीक है, बस इसी को हम लोग वरेंद्र रिबेलियन बुलाते हैं, इसी को हम कैवर्त रिवोल्ट बुलाते हैं, जो कि इंडिया का पहला पीजेंट रिवोल्ट था। इसके बारे में आपने देखा अभी प्रीवियस सेशन में, प्रीवियस में, कि संध्याकर नंदी ने इसके बारे में भी लिखा था, उनकी बुक जो है रामचरित, तो उसमें भी लिखा गया है इसके बारे में, ठीक है। तो ये जो थे दिव्या, जो एक एक लीडर थे इनके, जो पीजेंट लीडर थे, उन्होंने किसके अगेंस्ट लड़ा था? महीपाल टू के अगेंस्ट लड़ा था, अगेंस्ट महीपाल टू ऑफ दी पाल डायनेस्टी, अगेंस्ट महीपाल टू। चले जी, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आ गए आपके पास। हु वॉज दी कोर्ट पोएट ऑफ समुद्रगुप्त? समुद्रगुप्त के कोर्ट पोएट हरिसेन, अभी हमने देखा प्रयाग प्रशस्ति या फिर अलाहाबाद प्रशस्ति जिन्होंने लिखा था, प्रयाग प्रशस्ति जिन्होंने लिखा था, ठीक है, क्लियर है जी। चले नेक्स्ट क्वेश्चन विदाउट फर्दर अड्यू। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हरप्पन साइट लोकेटेड इन राजस्थान? राजस्थान में जो साइट है वो है आपकी कालीबंगा, ठीक है जी, जहां से आपको फर्स्ट प्लॉड फील्ड मिलती है, और ये प्री हड़प्पा पीरियड से बिलोंग करती है, ठीक है। तो कालीबंगा इज द राइट आंसर। राइस कल्टीवेशन इज एसोसिएटेड विद द हड़प्पा साइट ऑफ। सबसे पहले जो चावल की जो हमारे पास जो व्हाट कॉल खेती का हमारे पास जो सोर्स मिलता है वो मिलता है लोथल से। लोथल, लोथल के बारे में पढ़ चुके हैं आप, ठीक है। तक्षशिला वॉज अ फेमस साइट ऑफ। तक्षशिला, देखिए तक्षशिला जो है वो जो पाकिस्तान में है फिलहाल, तो ठीक है, तो पाकिस्तान तो भारत ही था और उसके आगे अफगानिस्तान, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता था, इंडो ग्रीक आते थे, इंडो ग्रीक आते थे, फिर बाद में आपके बैक्ट्रियन आए, ठीक है, बैक्ट्रियन आए, पार्थियंस आए। अब इन सबके आने से जो आर्ट ही अपने साथ लेकर के आए थे, ये तक्षशिला के आसपास फ्लरिश हुई, तक्षशिला के आसपास फ्लरिश हुई। ये जो आर्ट थी इसको हम गंधार आर्ट बुलाते हैं। तो तक्षशिला जो एरिया है, जो साइट है, वहां पर जो आर्ट मिलती है वो गंधार आर्ट मिलती है, जहां पर इंडो ग्रीक और इंडियन कल्चर एसिमिलेटेड है, मतलब मिले हुए हैं। तो ए हॉल प्रशस्ति, प्रशस्ति के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है कि वो राइटिंग जो कि किंग के प्रेज में लिखी जाती थी, किंग के प्रेज में लिखी जाती थी,
तो ऐहोल कहाँ पर है? कर्नाटका में, कर्नाटका, कर्नाटका में वतापी है, और वतापी को रूल करने वाले होते थे चालुक्यास। चालुक्य का एक रूलर था पुलकेशिन, पुलकेशिन टू, और पुलकेशिन टू ने हर्षवर्धन को हराया था। ठीक है, तो इसकी इसी जीत का जो वर्णन है वो ऐहोल में प्रशस्ति के माध्यम से लिख दिया गया है, और इसको लिखने वाले हैं रवि कीर्ति। रवि कीर्ति वॉज द कोर्ट पोएट ऑफ चालुक्य किंगडम। ठीक है, राइट, इम्पोर्टेंट है ये, आराम से देख लेना इसको, सारे नोट डाउन भी कर लेना, लेकिन भूलना मत कभी, क्योंकि देखो ये सीरीज जो है हिस्ट्री के सीरीज में ऐसे लेकर के आता रहूंगा, सेट वन है ये। ठीक है, अब आप इसको या तो नोट डाउन कर लो, या इसका पीडीएफ निकाल लेना, या इसको भाई सेव कर लो वीडियो को। आपको ये सारे पीडीएफ कहाँ मिल जाएंगे? आपको पहले मुझे व्हाट्सएप करना पड़ेगा, 8933005787 पर व्हाट्सएप करें मुझे। व्हाट्सएप करने पर मैं आपको बता दूंगा कि अभी धीरे धीरे मैं आपको कौन से टेलीग्राम पर इसको सब शेयर करने वाला हूँ। ठीक है, हालांकि पुराने चैनल भी हैं टेलीग्राम के, जैसे एजुकेटर सनी वर्मा, निर्मल आईएएस, लेकिन मैं चाहता हूँ कि कुछ नया चैनल बनाया जाए जिस पर हम लेटेस्ट अपने जो बच्चे हैं उनको जोड़ें। ठीक है, तो चले जी आगे चलते हैं। फेमस फिजिशियन बुद्धा के टाइम पर, गौतम बुद्ध जो थे उनके पर्सनल फिजिशियन और उनके कंटेम्पररी रूलर बिंबसार के जो फिजिशियन थे उनका नाम था जीवक, और जीवक उनको एशिया की डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज से उस टाइम पर मान के चलिए 468-586 BC पीरियड, इस टाइम पर जो थे, मतलब मैंने उल्टा लिख दिया, 586 से 468 BC पीरियड में मान के चलिए कि ये इतने फेमस थे जीवक कि इनको फादर ऑफ फिजिशियंस बुलाया जाता था उस टाइम पर, इनको फादर ऑफ हीलिंग बुलाया जाता था, हीलिंग पावर्स थी इनके पास, इतने ज्यादा, इतने प्रसिद्ध, इतने काबिल, इतने मतलब गुणकारी ये फिजिशियन हुआ करते थे जीवक। ठीक है, बुद्धा के पर्सनल फिजिशियन हुआ करते थे। इन विच एंशियंट टेक्स्ट डू यू फाइंड द अर्लीस्ट रेफरेंस ऑफ वर्ण सिस्टम? देखिए वर्ण जो है वो चार वर्ण है, ये चार वर्ण जो है इसका वर्णन आपको पुरुष सूक्त में मिलता है। कहाँ मिलता है जी? पुरुष सूक्त में मिलता है, पुरुष सूक्त। ठीक है, सो अर्लीस्ट रेफरेंस ऑफ द वर्णा सिस्टम पुरुष सूक्त में मिलता है। पुरुष सूक्त जो है वो ऋग्वेदा का पार्ट है, नाइन्थ मंडल ऑफ द ऋग्वेदा। चलेंगे जी, विच मेटल वॉज अननोन टू द इंडस पीपल? इंडस पीपल को कौन सा मेटल नहीं मालूम था कि ये होता है? तो आयरन इज द राइट आंसर। आयरन के उपयोग को वो नहीं जानते थे, उसके बारे में उनको कोई नॉलेज नहीं थी। हु डिस्कवर्ड द इंडस वैली सिविलाइजेशन? देखो यहाँ पर ये क्वेश्चन थोड़ा सा अटपटा है, क्यों? क्योंकि मार्शल जो थे सबसे पहले तो वो थे जॉन मार्शल। ठीक है, वो 1921-22 में गए। फिर जे फ्लीट के नाम से एक बंदा है, उसको कुछ सील्स मिली जिसको उसने डिस्कवर किया। फिर उसके बाद मार्शल दोबारा गए, साथ में दयानंद दयाराम साहनी जी भी गए, और साथ में गए आपके माधव वत्स। ठीक है, माधव स्वरूप वत्स जिनको बोलते हैं, और इन्होंने हड़प्पा को ढूंढा। यहाँ पर बाशम को हम बिल्कुल एलिमिनेट कर देंगे क्योंकि ये तो मॉडर्न हिस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं। कुछ कुछ इन्होंने आजीविका सेक्ट की बात भी करी थी। आजीविका एक बुद्धिज्म के कंटेम्प्रेरी एक सेक्ट था, एक भाग था, उसके ऊपर इन्होंने कुछ पढ़ाई करी थी। वूली जो है वो तो मेसोपोटामिया के साथ जुड़े हुए हैं, मेसोपोटामिया
की खोज जो थी वो वुली ने करी थी। वीएस अग्रवाल इंडियन आर्ट के साथ जुड़े हुए हैं, तो इनको भी एलिमिनेट कर देंगे। हमारे पास आरडी बनर्जी, आरडी बनर्जी जो है वो मेसोपोटामिया के साथ, सॉरी मोहनजोदारो के साथ जुड़े हैं। मोहनजोदारो, तो एक क्वेश्चन थोड़ा सा अटपटा है। अब हड़प्पा जो थी वो सबसे पहले साइट ढूंढी गई थी। अगर आपके पास इसी सेम क्वेश्चन आए कि डिस्कवरी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन के साथ कौन जुड़े हैं, अगर आपके पास आर डी बनर्जी भी हो और दयाराम साहनी भी हो, तो आपने दयाराम साहनी जी को चूज करना है। अगर दयाराम साहनी नहीं है तो फिर आर डी बनर्जी को चूज करना है। ठीक है, चलें आगे। ओके, बुद्धिस्ट रिलीजियस स्क्रिप्चर जो त्रिपिटक है वो किस भाषा में लिखा गया? देखिए, त्रिपिटक, विनय पिटक, सूत पिटक, अभिधम्म पिटक, ये तीन जो टेक्स्ट हैं इसको बास्केट ऑफ नॉलेज बुलाया जाता है, इसलिए हम इसको पिटक बुलाते हैं। ठीक है, पिटक, ये तीन है तो त्रिपिटक। ठीक है, अब ये जो तीनों के तीनों रिलीजियस टेक्स्ट है, विनय, सूत, अभिधम्म, ये पाली लैंग्वेज में लिखे गए, लैंग्वेज ऑफ द पीपल। लैंग्वेज ऑफ द स्कॉलर्स नहीं है, लैंग्वेज ऑफ द पीपल। बुद्धिस्ट डॉक्ट्रिन आर कंटेन्ड इन, बुद्धिस्ट डॉक्ट्रिन क्या है? उनकी, बुद्धा की टीचिंग, ये टीचिंग धर्म के मार्ग पर चलना सिखाती। पाली लैंग्वेज में इसको धम बुला देते हैं, धम। ठीक है, तो धम पद माना जाता है बुद्धिस्ट डॉक्ट्रिन धम्म पद में लिखी गई है। धम्म पद क्या है? बुक। मैंने अभी बताया ना आपको, अभिधम्म पिटक, बिल्कुल वही चीज है। वेयर डिड बुद्धिस्ट प्रीच हिज फर्स्ट सर्मन, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? बुद्ध ने अपना पहला उपदेश जो दिया था वो दिया था सारनाथ, वाराणसी। ठीक है, सारनाथ इज द राइट आंसर। और इसके साथ जो सिंबल जोड़ा जाता है वो सिंबल आप जोड़ेंगे व्हील का, चक्र का। तो इस इवेंट को क्या बुला देंगे हम लोग? धर्म चक्र परिवर्तन, धर्म चक्र परिवर्तन, सारनाथ इज द राइट आंसर। चले जी, सेट वन में आज इतने ही क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चंस के लिए प्लीज जुड़े रहिए। इस वीडियो को शेयर करना है, सभी ने लाइक करना है, कमेंट अच्छे अच्छे कर देंगे। मुझे, आपको मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दे दिया है, मुझे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट करेंगे पहले, फिर मैं आपको वहाँ पर लिंक शेयर करूँगा, जो भी मैं लेटेस्ट ग्रुप बनाऊँगा या टेलीग्राम चैनल बनाऊँगा। ठीक है, देन नेक्स्ट चीज, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। हम लोग मिलते रहेंगे, अच्छी अच्छी वीडियोज आपके सामने आती रहेगी। आप मुझे बूस्टअप कीजिए, मैं आपको बूस्टअप करूँगा। ठीक है, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। बिल्कुल वैसे ही आप लोगों ने मेरे साथ जुड़ना है। मैं आपसे मिलूंगा दूसरे सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर।